Hello, students of class 8. Good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson number 14, chemical effect of electric current. Right? तो आज मैं लेट से दे रहा हूँ वीडियो, क्योंकि स्कूल में अभी प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, तो स्कूल में मौका नहीं मिल रहा, तो इसलिए घर से मैं दे रहा हूँ इसको. ठीक है? तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टर्म्स कॉमनली यूज इन Describing chemical effects of current, right? Terms. There are so many terms which are related with chemical effects of current. तो सबसे पहला जो है वो ions, ठीक है? कह रहे when an atom loses or gains electron. पहले तो atoms के बारे में काफी जानकारी आपको अगले क्लास में मिलेगी, नाइन्थ में. तो थोड़ा सब समझिए, एक एटम को भी मैटर जो होता है छोटे छोटे एटम्स का बना होता है, ठीक है? और ये एटम थ्री सब फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है? कोई भी एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, लेकिन वो बाकी जो दो जो सब एटमिक पार्टिकल्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको लूज या गेन नहीं कर सकता नॉर्मल कंडीशन में. ठीक है? तो यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन जो होते निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. तो कोई भी एटम जो लूज या गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स का, इट फॉर्म्स आयंस. जब भी किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं बराबर होते हैं, निगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो इक्वल नंबर में होते हैं, इसलिए एक एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ठीक है? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो वो पॉजिटिव या फिर निगेटिव होगा इलेक्ट्रिकली, है ना? तो जब कोई भी एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को या फिर गेन करता है, ठीक है, तो इट फॉर्म्स आयंस. तब क्या होते हैं? आयंस का फॉर्मेशन होता है. तो आप इलेक्ट्रॉन इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स. ठीक है? जो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स, एटम्स भी इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स भी होते हैं, तो इसके बारे में आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे. तो इतना सिर्फ याद रखिए, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आयंस, राइट? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, दो तरह के आयंस होते हैं. एक होता है कटायंस और दूसरा होता है अनायंस. तो कटायंस कहते हैं जब भी कोई एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या वही बनी रहती है. तो प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होने के कारण से वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में फॉर्मेशन उसका हो जाता है. तो याद रखिए, व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, राइट? एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कटायंस. तो कटायंस के बारे में आप कोई बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय कटायंस, तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कटायंस, राइट? अनायंस में आइए, तो व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो प्रोटॉन की संख्या तो वही बनी रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने से प्रोटॉन की तुलना में वो निगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है. तो व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स निगेटिवली चार्ज आयन, हाँ, तो निगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड अनायंस. कटायंस पॉजिटिवली चार्ज आयंस, अनायंस जो होगा वो निगेटिवली चार्ज आयंस होगा. ठीक है? गुड. दूसरा टॉपिक है आपका है इलेक्ट्रोलाइट्स. तो केमिकल कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल्स आयोनाइज सेपरेट इनटू पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज्ड आयंस इन अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनको अगर आप पानी में डालें तो वो क्या होते हैं? निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज आयंस में सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, नमक, इसको जैसे ही पानी में डालिएगा तो Na प्लस और Cl माइनस. Na क्या हुआ? सोडियम आयन हुआ, और Cl माइनस जो हुआ क्लोरीन आयन हुआ, इसमें वो सेपरेट हो जाता है. तो यहां पर ये तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनको पानी में डालने पर है ना, उस मॉलिक्यूल्स आयोनाइज इन टू पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयंस इन ए सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन में डालने पर, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. तो सोडियम क्लोराइड यहां क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइट हुआ. सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल कंपाउंड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जब भी किसी सॉल्यूशन में आयंस होगा तब वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करेगा. व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और इन मॉल्टन स्टेट, जब भी मॉल्टन स्टेट में होगा या फिर
पानी में उसको डिसॉल्व करेंगे तब। तो एन इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस आयन, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो प्रोड्यूस करता है आयंस व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। को भी इलेक्ट्रोलाइट पानी में उसको डालेंगे तो वो क्या होगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस में जब उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे। जैसे अभी सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया, कॉमन सॉल्ट जब डिसॉल्व होता है इट प्रोड्यूस सोडियम आयंस, कटायंस पॉजिटिवली चार्ज आयंस है और क्लोराइड आयंस या क्लोरीन आयंस कह लीजिए, क्लोराइड आयंस जो निगेटिवली चार्ज आयंस है अनायंस हो गया। तो द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है। और कोई भी सॉल्यूशन जिसमें वाटर एक कंटेंट है ना, वाटर में उसको डिसॉल्व करने से बना है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन विथ वाटर, सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस विथ वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। याद रखिए इस एक्वस सॉल्यूशन की चर्चा आगे आने वाले समय में काफी होगी, याद रखिए। तो यहाँ पर नमक को आप डाल रहे हैं पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं फिगर में जो निगेटिवली चार्ज आयंस है अनायंस है और पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस है वो कटायंस है, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स देखें, सम कंपाउंड सच एज ग्लूकोज है, अल्कोहल है, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जैसे ग्लूकोज और अल्कोहल, इनको आप अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो लेकिन ये आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन तो है लेकिन ये आयंस नहीं होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए आयंस का होना जरूरी है। तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ऐसे कंपाउंड जिनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो आयंस रिलीज नहीं करते जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता को हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड नाइट।